जय शनिदेव। प्रिय भक्तगणों, मैं स्वामी राजर्षि शनि पीठ मंदिर ईस्ट पटेल नगर नई दिल्ली से आज आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ और एस्ट्रोलॉजी में रुचि रखता हूँ। 10 वर्ष की आयु से ही मैं अपने पूजनीय पिता श्री गुरु रजनीश ऋषि जी के निर्देशन में एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी एवं दंत ग्रंथों का अध्ययन कर रहा हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एस्ट्रोलॉजी एक साइंस है जिसके सिद्धांतों को हमारे ऋषि मुनियों ने वर्षों की तपस्या से और रिसर्च कर हमारे धर्म शास्त्रों में अंकित किया है। मैं आज इन्हीं वैज्ञानिक सिद्धांतों के आधार पर और आज के ग्रह नक्षत्रों की स्थितियों के आधार पर आपको आपका राशिफल बताने जा रहा हूं। तो क्या कहते हैं आपके सितारे, कैसा रहेगा आज आपका दिन, क्या करें क्या ना करें, किन चीजों से सावधान रहना है, यह सब जानने के लिए आखिर तक देखते रहिए आज का राशिफल। प्रिय भक्तगणों, आज मैं आप सभी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि पिछले एक साल में जो हमने आपसे जो प्यार पाया है, जो आपने अपने स्नेह और आशीर्वाद हमें दिया है, जिस कारण आज हम 50,000 सब्सक्राइबर्स हैं, सीधे 10 लाख सब्सक्राइबर्स की जो आंकड़ा है उसको पार कर चुके हैं, उसके लिए मैं आप सभी को तहे दिल से शुक्रिया करता हूं। प्रिय भक्तगणों, ऐसे ही आप सभी हमें अपना प्यार देते रहें और हमारी वीडियोस को पसंद करते रहें, यही हमारी आशा है। जिन भी भक्तगणों ने हमारे इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे मेरा अनुरोध है कि वो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे हर लेटेस्ट वीडियो की जो नोटिफिकेशन है वो उन तक सबसे पहले पहुंच सके। हमारी इस वीडियो को लाइक करें, उसको शेयर करें, उस पर अपना नाम लिख के कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। मैं आशा करता हूं कि आप भारी से भारी संख्या में अपना कमेंट्स के माध्यम से हमें प्यार इस वीडियो को अवश्य ही दें। आज 27 अक्टूबर 2019 दिन रविवार, कार्तिक मास का कृष्ण पक्ष चल रहा है और आज चतुर्दशी तिथि दोपहर 12:23 तक रहेगी और उसके पश्चात अमावस्या तिथि लग जाएगी। आज अभिजीत मुहूर्त दोपहर 11:43 से लेकर 12:27 तक रहेगा। इस दौरान किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत करने से आपको उसमें सफलता प्राप्त होगी। आज राहु काल दोपहर 4:14 से लेकर 5:36 तक रहेगा। इस दौरान आप किसी भी शुभ कार्य को करने से परहेज। प्रिय भक्तगणों, आज दिवाली के शुभ अवसर पर मैं आप सभी को शुभकामनाएं देता हूं और आज ये कामना करता हूं कि आप पर और आपके परिवार पर सदैव गणेश जी, माँ सरस्वती और माता माँ लक्ष्मी जी की कृपा बनी रहे। आपके कार्यों में कोई भी अड़चन ना आए। आपके घर में सदैव विद्या के रूप में माँ सरस्वती का वास हो और माता माँ लक्ष्मी जी आपके घर में सुख और संपत्ति, पैसों इत्यादि की कभी भी कमी आपको और आपके परिवार के सदस्यों को महसूस ना होने। आज लक्ष्मी पूजा का मुहूर्त शाम 6:42 से लेकर शाम 8:12 तक रहेगा। इस दौरान आप माता माँ लक्ष्मी जी की विधिवत पूजा अवश्य करें। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि तुला यानी कि लिब्रा राशि वाले जातकों का आज का दिन कैसा बीतेगा। आज आपको अपने माता पिताजी के स्वास्थ्य का विशेष तौर पर ध्यान रखना है क्योंकि आज उनके स्वास्थ्य संबंधित परेशानियों के कारण आपको मानसिक अशांति हो सकती है, परंतु आज आपके संबंध आपके भाई बहनों के साथ उत्तम रहेंगे और आप दोनों के संबंधों में मधुरता आएगी। आज आपका उत्साह और जोश भी कम रहेगा, इसलिए आज आपको जरूरत है कि आप प्रातःकाल उठकर पवित्र होकर व्यायाम करें जिससे आपके शरीर में पॉजिटिव एनर्जी का संचार होगा। आज दूध और पानी से संबंधित व्यापारियों को धन हानि होने की संभावना दिखाई दे रही है। आज अपनी माता जी की सेवा करने से
आपको चंद्रमा देवता का आशीर्वाद प्राप्त होगा और आपको अपने सभी कार्यों में सफलता मिलेगी। तुला राशि वालों, अगर आपका पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगता है या मेहनत करने के बावजूद भी आपके एग्जाम्स में अच्छे नंबर नहीं आ पा रहे हैं, तो आपको अपने हाथ में एक मंत्र सिद्ध प्राण प्रतिष्ठित नीलम की अंगूठी अवश्य ही धारण करनी चाहिए। यदि आप स्वयं गुरु रजनीश ऋषि जी द्वारा अभिमंत्रित अंगूठियों को प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप अभी ही स्क्रीन पर दिए हुए नंबरों पर हमें संपर्क कर सकते हैं। किसी भी रत्नों की अंगूठी को खरीदने से पूर्व आपको अपनी कुंडली का अध्ययन किसी योग्य एस्ट्रोलॉजर द्वारा अवश्य ही करवा लेना चाहिए। और यदि आप हमसे ज्योतिष परामर्श लेना चाहते हैं, तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। अगर आप में से कोई भी व्यक्ति असली सर्टिफाइड पन्ना, रूबी, नीलम, पुखराज, हीरा या किसी भी रत्न की अंगूठी को स्वयं बनाकर मंत्र सिद्ध करके पहनना चाहता है, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक्स पर जाकर आप ऑनलाइन इन रत्नों को अपने घर पर बैठे ही मंगवा सकते हैं। आज का आपका राशिफल देखते हुए मैं आपको 3 स्टार देता हूँ। मत करो, इस चर्चा को आगे बढ़ाने से पूर्व मैं आपसे कहना चाहूंगा कि यदि आपका या आपके बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, एग्जाम में अच्छे नंबर नहीं आ पा रहे हैं, या नौकरी मिलने में समस्या हो रही है, या नौकरी तो मिल गई है पर प्रमोशन नहीं हो पा रहा है, इनकम से ज्यादा खर्चा हो जाता है, ट्रांसफर हो रहे हैं, शादी नहीं हो पा रही है, या आपका अपना घर नहीं बन पा रहा है, आपका जो व्यापार है उसमें वृद्धि नहीं आ पा रही है, आपके पास धन की कमी बनी रहती है, या आपका स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता, आप हर समय बीमार रहते हैं, या आपके बच्चे बीमार रहते हैं, या अन्य ऐसी किसी भी समस्या से आप पीड़ित हैं, तो आप स्क्रीन पर आ रहे नंबरों पर, हमारी वेबसाइट पर जाकर, या ईमेल के माध्यम से, या व्हाट्सएप वीडियो कॉल के द्वारा गुरु रजनीश ऋषि जी से, या गुरु मां रुक्मणी जी से, या न्यूमरोलॉजी के माध्यम से अपने लिए या अपने बच्चों के लिए एक लकी नाम जानने के लिए, अपने व्यापार के लिए एक भाग्यशाली नाम जानने के लिए, जिससे कि आप दिन दुनी रात चौगुनी प्रगति करें, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, जिसके लिए आपको एक छोटी सी फीस जरूर देनी होगी, जिसका प्रयोग शनिपीठ मंदिर की व्यवस्था चलाने के लिए, हमारे द्वारा गरीब लड़कियों के लिए फ्री कंप्यूटर इंस्टीट्यूट चलाने के लिए, घर कर्म के काम जैसे कि यज्ञों महायज्ञों के आयोजन के लिए, प्रसाद एवं लंगर के वितरण के लिए किया जाता है। आपके द्वारा दी गई इसी फीस में से हम अगले दिन प्रमुख रूप से आपके नाम से आपके लिए पूजा अवश्य करते हैं। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं वो चमत्कारी उपाय, जिसे करके किसी भी राशि का जातक भगवान के आशीर्वाद से अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करवा सकता है। आज आप शाम के समय शुद्ध होकर अपने घर के पास किसी पीपल के वृक्ष के पास जाएं। वहां आप दीप जलाएं और उसके पश्चात आप इस मंत्र का प्रयोग करें। ओम श्री ब्रह्म मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुद्धश्च गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतवे सर्वे ग्रह शांति करा भवंतु। मैं आप सभी लोगों के लिए इस मंत्र को दोहराने जा रहा हूं। ओम श्री ब्रह्म मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुद्धश्च गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतवे सर्वे ग्रह शांति करा भवंतु। यदि आज आप इस मंत्र का और इस उपाय का श्रद्धा पूर्वक प्रयोग करते हैं, तो निश्चित तौर पर जो भी मनोकामनाएं आपके मन में हैं, वो अवश्य ही पूर्ण होंगी और आपको भगवान का आशीर्वाद प्राप्त होगा। क्या आपका बिजनेस फेल हो गया है? क्या आपके व्यापार में आपको लगातार घाटा हो रहा है? क्या आपको लगता है कि आपके काम धंधे पर किसी की बुरी नजर लग गई है? तो आज ही 133 देशों में प्रसिद्ध शनि मंदिर वाले परम पूज्य गुरु रजनीश ऋषि जी से अपनी सभी समस्याओं का समाधान जानिए। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। क्या आपका बिजनेस फेल हो गया है? क्या आपके व्यापार में आपको लगातार घाटा हो रहा है?
क्या आपको लगता है कि आपके काम धंधे पर किसी की बुरी नजर लग गई है? तो आज ही 133 देशों में प्रसिद्ध शनि मंदिर वाले परम पूज्य गुरु रजनीश ऋषि जी से अपनी सभी समस्याओं का समाधान जानिए। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें